नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। ब्रिक्स समिट में मोदी पुतिन ने दी साझेदारी को नई ऊंचाइयां। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, हाइड्रोकार्बन, अंतरिक्ष और स्मार्ट सिटी जैसे मुद्दों पर जताई सहमति। मोदी ने कहा, एक पुराना दोस्त नए दोस्तों से होता है बेहतर। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को लेकर ऐतिहासिक समझौता। भारत समेत दुनिया के 197 देशों ने HFC गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर जताई सहमति। 2019 तक HFC गैसों के उत्सर्जन को 10% तक कम करने का रखा है लक्ष्य। घबराया पाकिस्तान, भारत से बातचीत को तैयार। पाक PM नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर के मुद्दे पर भारत हो गंभीर। उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच है तनाव। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खेला आरक्षण कार्ड। कहा, सत्ता में आए तो अति पिछड़ों को OBC में मिलेगा अलग से 27% का आरक्षण। नोएडा से गिरफ्तार किए गए 3 और नक्सली। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली NCR में अलर्ट जारी। शनिवार को पुलिस ने नोएडा से 6 नक्सलियों को किया था गिरफ्तार। वाराणसी में शोभा यात्रा के दौरान राजघाट पुल पर भगदड़। हादसे में करीब 25 लोगों की मौत, 50 जख्मी। पुल गिरने की अफवाह से मची थी भगदड़। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 1.34 रुपये जबकि डीजल 2.37 रुपये प्रति लीटर हुआ महंगा। गत 4 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई थी बढ़ोतरी। आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का आगाज। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा पहला वनडे मुकाबला। टेस्ट सीरीज पहले ही जीत चुका है भारत। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।